अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ सलमान योर मैथ टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 24 से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 24 में हमें डील करना है एक्सरसाइज नंबर 2.7 को। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था एक्सरसाइज नंबर 2.7, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को हमने डील कर लिया। इस वक्त हमें मेरे बच्चों को बात करनी है क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 7 की सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमें बात करनी है। सो बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बुक आपके सामने मौजूद हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज ax अपॉन ay। मैंने आपको स्क्वायर रूट को पढ़ने का तरीका सिखाया था 2.6 के अंदर के इंडेक्स क्या होती है और रेडिकेंड क्या होती है। मैंने वर्ड इंडेक्स का यूज़ किया, इंडेक्स है यहाँ पे पावर, इंडेक्स है यहाँ पर 4। देन मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज ay अपॉन ar। मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज ar अपॉन ay, मीन्स के एक्स। आओ बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंने मेंशन किया सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। सवाल है हमारे सामने बेटा द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज एक्स अपॉन ए वाई, मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज ए वाई अपॉन ए आर, मल्टीप्लाई द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज ए आर अपॉन ए एक्स। ठीक है, अब बहुत गौर से मेरी बात को सुनना और समझना। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को डील करने के डिफरेंट मैथड है, एक सिंपल मैथड से करवाता हूँ। देखिएगा, आपको मैंने एक रूल बताया था कि जब कभी स्क्वायर रूट मल्टीपल में मौजूद हो और या डिवीजन में मौजूद हो, तो अगर वो स्क्वायर रूट मल्टीपल में मौजूद है तो इट मींस हम एक सिंपल रूट लगाते हैं और तमाम टर्म्स को जो मल्टीपल में मौजूद है तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे और डिवाइड में मौजूद है तो डिवाइड में लिख देंगे। मैंने आपको ये रूल इससे पहले भी बताया था, जैसे लिखा हुआ था स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। मैंने कहा दोनों रूट मल्टीपल में मौजूद है, मतलब दो नंबर्स मल्टीपल में मौजूद है और दोनों के पास रूट है, तो हम डायरेक्टली एक सिंपल रूट लगाते थे और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई में या मल्टीपल में हम मेंशन कर देते थे। इसी तरह से यहां पर भी यही होगा। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, यहाँ पे भी द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, तो इट मीन्स मैंने डायरेक्टली एक सिंपल रूट लगाया और स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4 को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब जो भी नंबर्स मौजूद था उनको सेम मल्टीपल फॉर्म में मेंशन कर दो, जैसे ए एक्स अपॉन ए वाई, देन मल्टीप्लाई ए वाई अपॉन ए एक्स या ए आर, देन मल्टीप्लाई ए दी पावर आर अपॉन ए की पावर एक्स। अब चेक करो सर, मल्टीपल में मौजूद है ये तो कैंसिल हो रहे डायरेक्टली, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल, ए वाई से ए वाई कैंसिल, ए आर से ए आर कैंसिल। अगर कैंसिलेशन हो मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो रिमेन वन बचता है, और अगर कैंसिलेशन हो प्लस और माइनस से तो रिमेन हमेशा जीरो बचता है। यहां कैंसिलेशन हुई मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो रिमेन हमारे पास वन बचेगा। द स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स 4, द रेडिकेंड इज 1। कैंसिलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड से हो रही है तो रिमेन वन बचा। और आपको ये भी बताया था अगर कभी नेचुरल रूट मौजूद हो और रूट को रिमूव करो तो पावर में क्या लगाते हैं 1/2। अगर रूट का इंडेक्स 3 हो तो पावर में क्या लगेगा 1/3। अगर इंडेक्स 4 हो तो पावर में क्या लगाएंगे 1/4। सो अगर मैं यहां से रूट को रिमूव करूं तो इसका इंडेक्स 4 है तो पावर में क्या बन जाएगा 1/4, और 1 की पावर 1/4, 1 की पावर कुछ भी हो जाए वो 1 बराबर 1 के ही होता है। 1 की पावर प्लस हो, 1 की पावर माइनस हो, 1 की पावर कुछ भी हो जाए वो बराबर तो 1 के ही होना है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा 1। क्लियर। इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी करो, मैं जब तक रिफिल भी करता हूं।
ओके बेटा। इसके बाद देखिएगा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार आ चुका है। x की पावर l अपॉन x की पावर m द होल पावर l प्लस m मल्टीप्लाई x की पावर m अपॉन x की पावर n द होल पावर m प्लस n। x की पावर n अपॉन x की पावर l द होल पावर n प्लस l। एक सवाल है मेरे बच्चों, मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया और इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। हमसे कहा यह गया कि आप इसकी सिंप्लीफिकेशन को कैलकुलेट करें। मैंने क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, x की पावर l अपॉन x की पावर m द होल पावर l प्लस m, x की पावर n m अपॉन x की पावर n द होल पावर m प्लस n, x की पावर n अपॉन x की पावर l द होल पावर n प्लस l। हमसे कहा यह गया कि मेरा बेटा एक काम करें, इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। हमने कहा इट्स ओके, ठीक है अभी करके दिखाते हैं। अब सबसे पहले मैथ्स का रूल है, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, x की पावर l अपॉन x की पावर m द होल पावर l प्लस m, x की पावर m अपॉन x की पावर n द होल पावर m प्लस n, x की पावर n अपॉन x की पावर l द होल पावर n प्लस l। यहाँ तक मैंने मेंशन किया। सर आपने तो ये कहा था कि जब सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की जा रही हो, नंबर्स होगा तो एलसीएम लेके यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना, और अगर वेरिएबल हो तो एलसीएम तो नहीं ले सकते, तो फिर क्या करेंगे? टर्म्स को चेक करो, अगर बेस सेम है तो नीचे वाली टर्म को कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ और उसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। तो इट मीन्स ऊपर भी एक्स है बेस और नीचे भी बेस क्या है, एक्स है। तो मैं नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर लेके जाता हूँ, तो x की पावर l को सेम लिखा, जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर x की पावर क्या बन जाएगी? माइनस m बन जाएगी, होल पावर पे लिखा हुआ है l प्लस m। एंड देन बेटा x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर माइनस n द होल पावर m प्लस n, देन मल्टीप्लाई x की पावर n इंटू एक्स की पावर माइनस एल द होल पावर पे क्या लिखा हुआ है? एन प्लस एल, मैंने सेम लिख दिया। ठीक है मेरा बेटा, मतलब क्या किया, नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले गए तो माइनस एम, नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले गए तो माइनस एन, नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले गए तो माइनस एल। जो बक सेम था उसे सेम ही लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करें बेटा, दोनों का बेस क्या है? सेम है सर, बेस सेम है, तो एक मरतबा लिखा पावर को ऐड करवाओ तो क्या बनेगा? एल माइनस एम, और होल पावर पे लिखा हुआ है एल प्लस एम। यहाँ पे चेक करो, बेस सेम है, एक मरतबा लिखा एम माइनस एन, होल पावर पे लिखा हुआ है एम प्लस एन। दोनों का बेस सेम था, एक मरतबा लिखा एक्स की पावर एन माइनस एल, होल पावर पे लिखा हुआ है एन प्लस एल। इट मीन्स अब देखो बेटा, मैं अगर यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करूँ तो पावर से पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी एल माइनस एम, ये मल्टीप्लाई होगा एल प्लस एम से। एंड देन मिटा यहाँ देखेगा, एक्स को मैंने एक्स लिखा, ब्रैकेट को ओपन करो तो एम माइनस एन, ये मल्टीप्लाई हुआ एम प्लस एन से। देन मेरा बेटा मल्टीप्लाई एक्स की पावर, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करो तो पावर से पावर क्या हुआ? मल्टीप्लाई एन माइनस एल एन प्लस एल। ठीक है, सिंपली मैंने मेंशन किया, तमाम टर्म्स को ओपन किया और आपके सामने बोर्ड पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने x को x लिखा, l माइनस एम एल प्लस एम क्या बनेगा? एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कैसे? a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। x की पावर क्या बनेगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, x की पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
एक्स 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 तीनों का बेस क्या है, सेम है, एक मरतबा लिखा है एक्स को, पावर्स को ऐड करवाते हैं। अगर मैं पावर्स को ऐड करवाऊँ तो फॉर्म क्या बनेगी, तीनों का बेस क्या है, सेम और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है। तो जब कभी बेस सेम हो और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद हो तो मैथ्स का रूल होता है कि हमेशा हम बेस को एक मरतबा लिखते हैं और पावर्स को ऐड करवाते हैं। तो अगर मैं पावर्स को ऐड करवाऊँ तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सर कैसे पता चला यहाँ पे साइन प्लस है, अगर कोई साइन नहीं होता तो हमेशा प्लस होता है। माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आगे देखें, माइनस एल प्लस एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, माइनस एन प्लस एन कैंसिल, क्या बचा बेटा, एक्स की पावर जीरो। और किसी भी नंबर या टर्म की पावर जीरो हो जाए तो क्या बचता है, वन। देखो बेटा कैंसिलेशन प्लस माइनस से हुआ तो रिमेन क्या बचा, जीरो। यहां कैंसिलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड से हुआ तो रिमेन बचा था वन। और एक्स की पावर अगर जीरो हो जाए, किसी भी टर्म या वेरिएबल की पावर जीरो हो जाए तो वन के बराबर होता है। समझ आ गई बात, ये जीरो क्यों आया, क्योंकि कैंसिलेशन प्लस माइनस से हुई थी। समझ आ गई बात। अच्छा एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड पे एग्जाम में आया है, मैं आपको वो क्वेश्चन होमवर्क पे देता हूँ, सो देखिएगा बोर्ड पर, आप जब तक कॉपी करें। ओके बेटा आप देखिएगा बोर्ड पर, अभी मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को डील किया, बुक के क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट को हमने यहाँ पे डील किया। अच्छा इन दो क्वेश्चन को डील करने के बाद आप बोर्ड पर देखिएगा, दो क्वेश्चन हैं जो एयर्स में आए हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट की तरह। और एक चीज़ और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है बेटा, एयर है आपके पास, एयर होगा अप्रोक्सीमेट 2010 एंड 2012। तो याद रखना ये जो सवाल है ये 2010 में भी आ चुका है और 2012 में भी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दो क्वेश्चन है आपके पास एयर के, 2019 एंड 2016। ये तकरीबन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फाबेटिक वे में एल और एम को हमने यूज किया, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो अल्फाबेट यूज किया है वो एक की पावर एक्स और एक की पावर वाई को यूज किया। बिल्कुल सेम मेथड से ये क्वेश्चन डील होगा। इसी तरह से एक और सवाल है, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, बिल्कुल सेम मैथड से ये दो क्वेश्चन डील होगा। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है और आपने ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन मुझे इन्फॉर्म करना है बेटा। आपने इसको सॉल्व करने के बाद इसके पिक्चर से मुझे टैली करवानी है और सही और गलत फिर मैं आपको फौरन से रिप्लाई करके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इट मींस ये क्वेश्चन था बुक का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि ईयर 2010 एंड 2012 में आ चुका है और इसी बिल्कुल सेम मेथड है। यहां अल्फाबेट एल और एम यूज किया इस वाले क्वेश्चन के अंदर, एक्स और वाई, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर ए और बी हमने यूज किया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास और बिल्कुल सेम मेथड से हमने यहां पे डील किया। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क है। इसके बाद देखिएगा पास पेपर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस और हैं और उन क्वेश्चंस को भी हम यहां पे डील करते हैं। देखो बेटा एक सवाल है, ओके बेटा बोर्ड पे देखिएगा, एक सवाल है, एयर है बेटा 2007, 2008 एंड 2011, ठीक है बेटा। एक सवाल लिखा हुआ ये है, एक्स की पावर 2a अपॉन एक्स की पावर a प्लस बी द होल पावर a प्लस बी, देन मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2b अपॉन द होल पावर एक्स की पावर b प्लस सी एंड देन द होल पावर b प्लस सी एंड देन बेटा मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2c अपॉन एक्स की पावर c प्लस a द होल पावर c प्लस a। एक सवाल है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन किया, एयर वाइज मैंने मेंशन किया। अब आओ इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करते हैं। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, एयर है 2007, 2008 एंड 2011। पास पेपर्स का एक क्वेश्चन है,
पास्ट परफेक्ट का एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमने यहाँ पे मेंशन किया बेटा सॉल्यूशन मैथ्स का एक रूल होता है, सॉल्यूशन लिखने के बाद जब सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की जा रही हो क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, एक्स की पावर टू ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस बी द होल पावर इज दैट ए प्लस बी देन मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू बी अपॉन होल पावर एक्स की पावर बी प्लस सी द होल पावर इज दैट बी प्लस सी एंड देन बेटा एक्स की पावर टू सी अपॉन एक्स की पावर सी प्लस ए द होल पावर सी प्लस ए। ठीक है मेरा बेटा, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपके सामने मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया। बहुत ध्यान से सीखना बेटा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, लेकिन एक स्टेप ज्यादा होगा यहाँ पर। वो कैसे होगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, जब कभी आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद हो, अगर आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद हो मीन्स दैट बात की जा रही है सिंप्लीफिकेशन के बारे में, और अगर आपके पास कोई नंबर सिस्टम मौजूद हो तो हमेशा उन नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करवाते हैं, उस नंबर सिस्टम का हम यूनिट फॉर्म मालूम करते हैं, मींस उसका हम एलसीएम लेते हैं, और आपको पता है एलसीएम हमेशा हम प्राइम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर बात एक कंपैरेटिवली अल्फाबेटिक वे में की जाए यानी वेरिएबल्स के बारे में बात की जाए, तो आपको पता है वेरिएबल का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता, तो हम वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं टर्म्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से मैंने यहां पर मेंशन किया इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है x की पावर 2a, मैंने सेम लिखा। अब अगर ऊपर वेरिएबल x है और नीचे भी वेरिएबल x है, इट मींस दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो फिर क्या करेंगे सर? अगर दोनों का बेस सेम है तो हम डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर लेकर जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नीचे प्लस a है, ऊपर जाकर माइनस ए बन जाएगा, नीचे प्लस बी है, ऊपर जाकर माइनस बी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया मल्टीप्लाई एक्स की पावर प्लस ए था, ऊपर जाकर माइनस ए बन गया, नीचे प्लस बी था, ऊपर जाके माइनस बी बन गया। फॉर एग्जाम्पल होल पावर पे क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, मैंने से मेंशन किया, देन मल्टीप्लाई एक्स की पावर टू बी को मैंने टू बी लिखा, नीचे से ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगी फॉर्म? एक्स की पावर माइनस बी माइनस सी द होल पावर b प्लस सी, सेम लिखा। यहां पे देखिएगा बेटा x की पावर 2c को सेम लिखा, यहां पे x की पावर प्लस सी है, a की पावर x की पावर c प्लस a है, इट मींस अगर मैं ऊपर लेके जाऊं उस x को तो हमारे पास क्या होगा? प्लस सी था, ऊपर जाके माइनस सी, प्लस a है, ऊपर जाकर माइनस a। होल पावर पे क्या लिखेंगे बेटा? c प्लस a। इसके बाद मैंने इक्वल्स टू को इक्वल्स टू लगाया। अब चेक करो बेटा दोनों का बेस क्या है? सेम है और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है। मैथ्स का एक रूल होता है, अगर मल्टीपल अगर वेरिएबल्स का बेस सेम हो और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद हो तो हमेशा हम बेस को एक मरतबा ड्रॉ करते हैं और पावर को ऐड करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टू ए माइनस ए माइनस बी, एक्स और एक्स सेम था, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाया, होल पावर पर लिखा हुआ है ए प्लस बी एंड देन मल्टीप्लाई एक्स और एक्स बेस सेम है, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाते हैं, टू बी माइनस का बी माइनस सी द होल पावर इज दैट बी प्लस सी देन मल्टीप्लाई एक्स और एक्स बेस सेम, एक मरतबा लिखा, टू सी माइनस सी माइनस ए द होल पावर सी प्लस ए। क्लियर? इसके बाद सर हमने एक्स को एक्स लिखा, टू ए माइनस ए क्या बचेगा? ए। सर अगर 2a में से a को माइनस करें तो क्या बचेगा? a बचेगा, माइनस बी है, मैंने माइनस बी को माइनस बी लिखा, होल पावर पे क्या लिखा हुआ है बेटा? a प्लस बी देन मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2b माइनस बी क्या बचेगा? b बचेगा और माइनस सी को हमने माइनस सी लिखा, होल पावर पे लिखा हुआ है b प्लस सी, एक्स की पावर 2c माइनस सी क्या बचेगा? c माइनस a द होल पावर पर c प्लस a। एंड देन बेटा मैंने x को x लिखा, ब्रैकेट को ओपन करो, पावर से पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई यानी a माइनस बी ए प्लस बी देन मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a c प्लस a एंड देन बेटा इसके बाद देखिएगा मैंने यहां पे x को x लिखा। बेटा आपको लास्ट टाइम भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फॉर एग्जांपल x को हमने x लिखा a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी माइनस सी बी प्लस सी किसके इक्वल होगा बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा मल्टीप्लाई एक्स की पावर यहां पे चेक करो बेटा सी माइनस ए सी प्लस ए यानी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्म बनेंगे बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन बेटा इज इक्वल्स टू एक्स 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 बेस से में एक मरतबा लिखा पावर को ऐड करवाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोई भी साइन नहीं होगा तो प्लस होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था अगर कैंसिलेशन प्लस माइनस से हो तो क्या बचता रिमेन जीरो दे आर कैंसिल प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल तो हमारे पास रिमेन बचा एक्स की पावर जीरो और अगर किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जीरो हो जाए तो वो हमेशा बराबर होता है किसके बेटा वन के इट मीन्स एक क्वेश्चन था ये 2007 2018 एंड 2011 हमने इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात की इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है 2003 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डील कर लेते हैं 2003 का एक क्वेश्चन है 2003 ये आपका होमवर्क है बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ x की पावर 2p अपॉन x की पावर अपॉन x की पावर p प्लस q द होल पावर p प्लस q देन मल्टीप्लाई x की पावर 2q अपॉन x की पावर q प्लस r द होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाई x की पावर 2r अपॉन x की पावर R प्लस पी द होल पावर R प्लस पी बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया यहां पे हमने पावर 28 B और C को यूज किया यहां पे पावर P Q और R को हमने यूज किया ये क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम मेथड से होगा ये आपको होमवर्क है बेटा इसके बाद देखिएगा एक और सवाल है अच्छा एक सवाल और दे रहा हूँ 2001 का क्वेश्चन है ये भी अप्रोक्सीमेट सेम मेथड से होगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम मेथड से आपने डील करना है 2001 में एक क्वेश्चन आया है 2001 बोर्ड पे देखो बेटा एक सवाल है 2001 में x की पावर 2a अपॉन x की पावर a माइनस बी द होल पावर a माइनस बी अच्छा इस क्वेश्चन को माइनस देख के परेशान नहीं होना क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये b माइनस सी द होल पावर b माइनस सी x की पावर 2c अपॉन x की पावर c माइनस ए द होल पावर इज दैट c माइनस ए ये दो क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क दिया बिल्कुल सेम मेथड से होगा होप सो दैट कि आप कर लोगे और अभी हमने एक क्वेश्चन डील किया था लास्ट डे लास्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन डील किया था वो भी एयर 2002 में आ चुका है यानी 27 दी पावर 2n अपॉन 3 मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 8 की पावर n अपॉन 6 अब डिफरेंट क्या है जस्ट ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा 18 की पावर माइनस का n अपॉन 2 ये क्वेश्चन है 2002 में आ चुका है अब बुक के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है ये भी आपको मैं बताता हूं बुक में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और बुक का क्वेश्चन में यहां पे 27 की पावर 2n अपॉन 3 है लेकिन 8 की पावर माइनस n अपॉन 3 है लेकिन यहां पे क्या मौजूद है 8 की पावर प्लस n अपॉन 6 जस्ट ये डिफरेंस है यहां पर और 18 की पावर माइनस n अपॉन 2 ये भी बुक में मौजूद है जस्ट यहां पे उसने पावर को चेंज किया ये जो पावर है ना मेरा बेटा ये पावर इसने जस्ट इस पावर को चेंज किया है
बुक में है माइनस एन अपॉन थ्री, लेकिन यहां पे क्या गिवन है, एच की पावर प्लस एन अपॉन थ्री, जिस एक डिफरेंस मौजूद है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, काइंडली इसे कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद मुझे चेक करवाइएगा, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, मोर देन थ्री टाइम्स आपने हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और जितना पॉसिबल हो आपने हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, फौरन डिस्कस कीजिएगा। और काइंडली बेटा आपको जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन की थ्री टाइम्स आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, एक पेज पे एक क्वेश्चन करें या एक पेज पे दस क्वेश्चन करें, पेन से करें, पेंसिल से करें, मार्कर से, वो मायने नहीं रखता, लिखा हुआ चाहिए ये मायने रखता है। समझ आ गई बात, होप सो दैट आप मेरी बात समझ गए होगे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।